योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दैट इज AGI ग्रीन पैक कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर AGI ग्रीन पैक लिमिटेड कंपनी के बारे में जो है हम यहाँ पर बिजनेस जो है उसके बारे में जानेंगे, कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन जो ये कंपनी के हैं उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर कंपनी है जिस तरह से कैश फ्लोज वर्कआउट हो रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर किस तरह से हो रही है। शेयर प्राइस जो है यहाँ पर कंपनी का अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से किस तरह की रही है दैट इज इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टेग्नेंट ही रह रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के जो है नतीजे किस तरह से आ रहे हैं और आने वाले टाइम में कंपनी जो रेवेन्यूज़ जो है वो किस तरह से और ज़्यादा ग्रो या फिर जो है किस तरह से नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकते हैं या फिर अगले कुछ क्वार्टर में कंपनी नतीजे अच्छे आएंगे उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। AGI ग्रीन पैक कंपनी के बारे में अगर यहाँ पर बताऊँ तो इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज जो मार्केटिंग होती है, जो भी पैकेजिंग रिलेटेड जो भी बॉटल्स होती हैं, जो भी स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बताऊँ जो कि ग्लास की होती है और नॉर्मल जो बॉटल्स हो गई या फिर बॉटल के रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी कैप्स होती है, क्लोजर्स होते हैं, वो ये कंपनी जो है बनाती है और उसके थ्रू जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी का मेन कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन एस एस बॉटम लाइन जो है ग्रो होती है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पर 2496 करोड़ डेट इज 2400 डेट इज 2496 करोड़ का जो है यहाँ पर इस कंपनी का हम मार्केट कैप देखूँ डेट इज ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का। स्टॉक का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है 9.89 जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से देखे तो एक अच्छे खासे जो है वैल्यूएशन पे शेयर जो है ट्रेड जरूर कर रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर अगर मैं एक साल के लो प्राइस की बात करूँ तो 178 और यहाँ पर हाई प्राइस रहा है 408 का और आज जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दिए 387 पर, तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस या फिर अगर बताऊँ यहाँ पर एक साल की जो हाई प्राइस है उससे ज़्यादा जो है नज़दीकी देखने को मिल रहा है और बुक वैल्यू है स्टॉक की 215 की। कंपनी का अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखूँ तो यहाँ पर 12% आता है और कंपनी का जो ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो यहाँ पर 14.6% का देखने को मिल रहा है। और डेट यहाँ पर इस कंपनी का 1160 करोड़ का इस कंपनी का डेट भी है, तो यहाँ पर डेट वाली जो चीज़ है उसके ऊपर भी यहाँ पर हमारे डेफिनेटली फोकस रहना चाहिए कि कंपनी जितना डेट है उससे डबल अगर यहाँ पर कर लेते हो तो उतना यहाँ पर हमें मार्केट कैप यहाँ पर करेंटली एज ऑन द फैक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी किस तरह से धंधा कर रही है। 2019, 20 और 21 के बारे में बताएं तो यहाँ पर जो है कंपनी के रेवेन्यूज़ बड़े भी थे, कम भी हुए थे, बट यहाँ पर जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो है इंडस्ट्री और यहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं किसके बेसिस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को जो है हम यहाँ पर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी अंदर ग्रोथ किस तरह से होने वाली है। तो यहाँ पर 2019 और 20 के देखते हो तो कंपनी के रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे थे बट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो कि आप यहाँ पर अगर हम देखना चाहें 2022 के अंदर तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पर 2019, 20 और 21 के जितने कंपनी ने प्रॉफिट कमाए हैं उन सबको भी अगर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो उतना प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 2022 के अंदर ही कमाया है विद रेवेन्यू ऑफ जस्ट दैट इज 1570 करोड़ के। यहाँ पर जो है कंपनी रेवेन्यू के ऊपर कंपनी ने ये जो प्रॉफिट जो है कमाया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी कि जून 2022 के अंदर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बेसिस के जो कंपनी है रेवेन्यूज़ जो है वो यहाँ पर कंपनी ने किए हुए हैं, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। हालांकि यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है इतना अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ये जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है बिकॉज यहाँ पर आप देख लीजिए 2022 के डेटा के अंदर यहाँ पर सिर्फ 190 करोड़ का ही यहाँ पर कंपनी का जो है रेवेन्यू जो प्रॉफिट है वो मार्क हुआ है। और यहाँ पर 2022 के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 492 प्लस 522 करोड़ भी अगर यहाँ पर करते हैं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 950 करोड़ की जो है कंपनी का रेवेन्यू पहले से हो चुके हैं और अगले दो क्वार्टर के अंदर 950 करोड़ और कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कर लेती है तो 1900 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का एक हाईएस्ट एवर जो है रेवेन्यू निकल कर आएगा। तो ये जो चीज़ है वो भी मार्केट को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बताऊँ तो दो क्वार्टर के अंदर 128 और 66 करोड़ दैट इज़ 194 करोड़ के यहाँ पर जो है कंपनी ने पहले से
जो है प्रॉफिट कमा लिए हैं। अगले दो क्वार्टर के अंदर अगर समझ लीजिए इतना ही परफॉर्मेंस फिर से देती है तो भी 350 से 360 करोड़ की जो है कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू, सॉरी जो कंपनी बॉटम लाइन जो है प्रॉफिटेबिलिटी वो देखने को मिल सकती है। 190 करोड़ से यहाँ पर सीधा जो है डबल यहाँ पर जो जंप है वो देखने को मिल, प्रॉफिट के अंदर 100% जंप यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेट 60.24% जो होल्डिंग है मेजोरिटी होल्डिंग जो है यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पर जो है FIA का निवेश 7.82% यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जिस तरह से जो FIA का निवेश है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और DIA का इन्वेस्टमेंट 2.38 और यहाँ पर जो रिटेल का मतलब आप जैसे मेरे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उनका 29.56% और उसमें से भी ऑलमोस्ट 6% जो है यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के पास पड़ा हुआ है तो रिटेल्स के पास यहाँ पर सिर्फ 23 से 22% की ही होल्डिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैश फ्लोज देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। इस 181 करोड़ का यहाँ पर हमें जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी 348 जो है माइनस में देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट्स यहाँ पर अगर हम कंपनी के देखने जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है तो यहाँ पर डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अगर उसके ऊपर भी यहाँ पर समझ लीजिए 10 से 15% अगर यहाँ पर कंपनी रिटर्न्स कमाती है तो जो ग्रोथ होती है आने वाले टाइम के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन में आएगी वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी देखने को मिलेगी। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिव 203 करोड़ जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे जो अच्छी तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग्स यहाँ पर 349 करोड़ की है और रीपेमेंट ऑफ बोरिंग भी यहाँ पर जो है कंपनी कर रही है और इंटरेस्ट पे डेफिनेटली हर ईयर में यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो एक अच्छा सा और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कब आ सकता है जब जो है कंपनी जो भी जो डेट्स हैं वो यहाँ पर स्लोली एंड स्टडीली कम होते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर तो जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट कंपनी को पे नहीं करना पड़ा सीधा जो है वो एडिशन यहाँ पर हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल सकता है। सो काइंड ऑफ जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है सो लेट्स सी कि यहाँ पर इस चीज़ को होने में कितना टाइम लगता है। 5 साल के हाई प्राइस यहाँ पर 407 और आज जो है स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है 2.04% गिरावट के साथ 387 पे जो है क्लोज जरूर दिया हुआ है। रिकवरी काफ़ी ज़्यादा शार्प आई है तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक बार से जो है तुरंत अमाउंट यहाँ पर में निवेश नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो डिप में जो है यहाँ पर इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। कंपनी का जो है यहाँ पर जिस तरह से करंट वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे खासे वैल्यूएशन पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको AGI ग्रीन पैक लिमिटेड कंपनी के बारे में जो सेंसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।